Animals. Prani. Cat. Cat eats the rats. Billi. Billi chuhe khati hai. Dog. Dog protects the house. Kutta. Kutta ghar ki rakhwali karta hai. Horse. People travel by riding the horse. Ghoda. Ghode par baithkar log safar karte hain. Cow. Cow gives us milk. Gaay. Gaay doodh deti hai. Bullock. Bullock plough the fields. Bail. Bail hal chalata hai. Buffalo. Buffalo gives us milk. Bhais. Bhais doodh deti hai. Donkey. Donkey carries the load. Gadha. Gadha bojh uthata hai. Elephant. An elephant has a long trunk. Hathi. Hathi ko ek lambi sund hoti hai. Tiger. Tiger is a handsome animal. Bagh. Bagh bahut hi rupwan janwar hai. Lion. Lion is called as the king of the jungle. Sher ya sinh. Sher ko jungle ka raja kehte hain. Bear. The bear has long hair on his body. Bhalu. Bhalu ke sharir par ghane baal hote hain. Monkey. Monkey jumps high. Bandar. Bandar unchi chhalang lagate hain. Camel. Camel stays in the desert. Oont. Oont registan mein rehta hai. Deer. The deer runs very fast. Hiran. Hiran tez daudta hai. Fox. Fox is a very cunning animal. Lomri. Lomri chalak hoti hai. Crocodile. Crocodile stays in water. Magarmach. Magarmach pani mein rehti hai. Turtle. Turtle walks very slow. Kachua. Kachua bahut dheere dheere chalta hai. Snake. Snake or poisonous. Saap. Saap zehreele hote hain. Goat. The goat gives us milk. बकरी बकरी दूध देती है. चीता. चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल. चीता. चीता सबसे तेज प्राणी है. रैट. रैट रिजाइड्स इन द होल. चूहा. चूहे बिल में रहते हैं. पिग. पिग इज य डोमेस्टिक एनिमल. पंडरी. सुअर. सुअर एक पालतू जानवर है. रैबिट. रैबिट लुक्स ब्यूटीफुल. खरगोश. खरगोश सुंदर दिखता है. स्क्विरल. स्क्विरल रिसाइड्स ऑन अ ट्री. गिलहरी. गिलहरी पेड़ पर रहती है. अप्लायंसेस उपकरण. लाइट दिया. टेलीफोन दूरध्वनि. रेफ्रिजरेटर शीत पेटी. वॉशिंग मशीन धुलाई यंत्र. वैक्यूम क्लीनर स्वच्छता यंत्र. मिक्सर. मिक्सर. माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन. कंप्यूटर संगणक. रेडियो. रेडियो. टेप रिकॉर्डर. टेप रिकॉर्डर. सीलिंग फैन पंखा. एयर कंडीशनर वातानुकूलन यंत्र. मोबाइल फोन भ्रमण ध्वनि. कैमरा. कैमरा. टॉर्च मशाल. फैन
पंखा गीजर गीजर टेलीविजन दूरचित्रवाणी वॉच घड़ी आयरन बॉक्स इस्त्री बर्ड्स पक्षी मैना मैना ईगल गरुड़ नाइटिंगेल डी बुलबुल वुडपेकर कठफोड़वा कॉक मुर्गा पीकॉक मोर पैट्रिज तीतर हॉर्नबिल धनेश स्वैन हंस स्पैरो गोरैया पिजियन कबूतर क्रो कौवा पैरट तोता किंगफिशर राम चिरैया क्वेल बटेर हमिंग बर्ड हमिंग डाउ फाकता हेन मुर्गी आउल उल्लू क्रेन सारस ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग डक बत्तख काइट चील कुकू कोयल स्ट्रोक बगुला वल्चर गिद्ध क्लॉथ्स कपड़े पंजाबी ड्रेस पंजाबी पोशाक कुर्ता कुर्ता साड़ी साड़ी शरारा शरारा चसिया चोली चनिया चोली शर्ट कमीज ट्राउजर पतलून धोती धोती कैप टोपी शेरवानी शेरवानी रेस्टोरेंट अ टेबल फॉर टू प्लीज दो लोगों के लिए टेबल चाहिए मे वी सिट एट दिस टेबल क्या हम इस टेबल पर बैठ सकते हैं द मेनू प्लीज कृपया जरा मेन्यू कार्ड दीजिए डू यू हैव फिश आपके यहाँ मछलियाँ मिलेंगी आई हैव द सेम मुझे भी वही चाहिए दैट्स ऑल थैंक यू बस इतना ही धन्यवाद कैन आई हैव द बिल प्लीज कृपया बिल देंगे विल यू प्लीज चेक द बिल अगेन इस बिल की जरा फिर से जांच करेंगे वॉट कैन यू रिकमेंड आप क्या सलाह देंगे आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है होटल हैव यू गॉट अ सिंगल रूम फॉर टुनाइट आज रात के लिए सिंगल कमरा है आईड लाइक टू स्टे इन अ डबल रूम मैं डबल कमरा लेना चाहूंगी डू ऑल द रूम्स हैव एयर कंडीशनिंग क्या आपके सभी कमरे वातानुकूलित हैं इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड क्या सुबह का नाश्ता इसमें शामिल है When do you serve breakfast? क्या आप नाश्ता देते हैं Could you give me a call at 7 tomorrow morning, please? कृपया मुझे सुबह 7 बजे फोन करके जगाएंगे What is the checkout time? आपका चेकआउट का समय क्या है Will you please send some water? कृपया पानी भेज देंगे प्लीज सेंड समवन टू क्लीन द रूम कृपया किसी को कमरे की सफाई के लिए भेज दीजिए प्लीज गिव मी माय रूम कीज कृपया मुझे कमरे की चाबी दीजिए सिनेमा हॉल हाउ मच इज अ टिकट टिकट के दाम क्या है व्हाट इज द टाइम फॉर करंट शो चालू खेल का समय क्या है डू यू हैव एडवांस बुकिंग फैसिलिटी क्या आपके यहाँ आरक्षण की सुविधा है आर ईटेबल्स अलाउड इन द हॉल सभागृह में खाने के पदार्थ ले जाने की अनुमति है प्लीज गिव मी कॉर्नर सीट कृपया मुझे एक कोने में कुर्सी दीजिए एट व्हाट टाइम द शो विल गेट ओवर खेल कितने बजे समाप्त होगा व्हाट इज द स्क्रीन नंबर
यह खेल कौन से क्रमांक के पर्दे पर है? My seat is not proper. Can please change it? मेरी कुर्सी ठीक नहीं है. कृपया मुझे बदल कर देंगे? Please keep quiet. We are getting disturbed. कृपया जरा शांत रहेंगे? हमें परेशानी हो रही है. Excuse me. This is my seat. You have occupied wrong seat. क्षमा कीजिए. ये मेरी जगह है. आप शायद गलत जगह पर बैठे हैं. एयरपोर्ट. Where is Air India check-in counter? Air India का check-in counter कहाँ है? Where will I get taxi? मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी? Where is the tourist information center? पर्यटक जानकारी केंद्र कहाँ है? Where is security officer cabin? सुरक्षा अधिकारी का कमरा कहाँ है? Where can I get some coffee? मुझे कॉफी कहाँ मिलेगी? Where is the baggage area? सामान का कक्ष कहाँ है? Where can I get trolley? मुझे ट्रॉली कहाँ मिलेगी? Excuse me. Where is the gate number 5? क्षमा कीजिए, दरवाजा क्रमांक 5 कहाँ है? Where is the arrival area? आगमन कक्ष कहाँ है? Can I get porter over there? मुझे यहाँ सामान ले जाने के लिए कूली मिलेगा? पुलिस स्टेशन. Can I meet the senior police inspector? क्या मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिल सकता हूँ? Where can I register a complaint? शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? I have lost my bag. Will you please help me? मेरी बैग खो गई है. कृपया मुझे मदद करेंगे? May I get the registered copy of my complaint? मुझे मेरी शिकायत की अधिकृत प्रति मिलेगी? I want to collect my passport. Whom shall I meet? मुझे मेरा पारपत्र लेना है. मैं किससे संपर्क करूं? My car was towed from Shivaji Park. Can you please tell me from where can I collect? मेरी गाड़ी शिवाजी पार्क से उठा ली गई है. क्या आप बता सकते हैं वो मुझे वापस कहाँ से मिलेगी? I want character certificate from the police station. Whom shall I meet? मुझे इस पुलिस चौकी से चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए. मैं इस विषय में किससे संपर्क करूं? I want permission for party at our complex. What is the procedure? मुझे हमारे संकुल में एक समारोह के लिए अनुमति चाहिए. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Whom shall I meet for personal security? मैं मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किससे संपर्क करूं? I have registered a complaint about house break. I want to know the development in this case. मैंने चोरी की शिकायत दर्ज की थी. मुझे उस पर की गई कार्यवाही जाननी है. Rent a car. गाड़ी किराए पर लेना. Which car do you have? आपके पास कौन सी गाड़ियां हैं? Is AC is in good condition? वातानुकूलन यंत्रणा ठीक है ना? Is your driver experienced in general maintenance? आपके चालक को मामूली मरम्मत की जानकारी है ना? What is per kilometer rate? प्रति किलोमीटर किराया कितना है? What is minimum run per today? प्रतिदिन कम से कम कितना अंतर काटना होगा? Does the car have carrier? क्या गाड़ी के छत पर सामान रखने की सुविधा है? What is the driver's charge per day? चालक का प्रतिदिन शुल्क क्या होगा? What if the AC fails in between? अगर वातानुकूलन यंत्रणा बीच रास्ते में खराब हो गई तो? What is the condition of the car? गाड़ी की अवस्था कैसी है? I need a car for 4 people. मुझे 4 व्यक्तियों के लिए गाड़ी चाहिए. At a vegetable fruit stall. सब्जी या फल विक्रेता. How much for the apples? सेब का दर क्या है? Don't you sell in dozens? आप डजन के दर से नहीं बेचते? Don't you sell in kgs? आप किलो के दर से नहीं बेचते? Please give me 2 plastic bags. कृपया मुझे प्लास्टिक की 2 थैलियाँ दीजिए. Please give me half kg. कृपया मुझे आधा किलो दीजिए. Are the fruits fresh? फल ताज़े है ना? Please weigh it properly. कृपया वजन ठीक तरह से कीजिए. I don't have change. मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं. I'll inquire the rates with other shopkeepers. मैं दूसरे दुकानदारों से भी दर की पूछताछ करूंगी.
I want them for eating in within a few hours. मुझे ये कुछ ही घंटों पश्चात खाने के लिए चाहिए. साइबर कैफे. Is there any computer free? क्या कोई संगणक खाली है? What is per hour rate? प्रति घंटा किराया क्या है? Where can I download the file? मैं फाइल कहाँ डाउनलोड करूँ? Please give me print out of this file. कृपया मुझे प्रिंट आउट दीजिए. Do you have voice chat facility? क्या आपके पास वॉइस चैट की सुविधा है? Do you have Skype facility? क्या आपके पास स्काइप की सुविधा है? Do you have webcam? क्या आपके पास वेब कैमरा है? Why do you need identity proof? आपको पहचान पत्र की जरूरत क्यों है? What is timing of the cyber cafe? साइबर कैफे का समय क्या है? Can I get color printout? क्या मुझे रंगीन प्रिंटआउट मिलेगा? At the bus stop and in the local best bus. Which bus will go to Adyar? दादर कौन सी बस जाती है? At what time the bus comes? बस कितने बजे आती है? Does 85 numbered bus go to Adyar? क्या 85 क्रमांक की बस दादर जाती है? From where will I get the bus to Adyar? दादर जाने के लिए कहाँ से बस मिलेगी? Does this bus go to Adyar? क्या ये बस दादर जाती है? When is the last bus to Adyar? दादर जाने वाली आखिरी बस किस समय है? Is there any change in timing on Sunday or holiday? क्या रविवार या छुट्टी के दिन समय में कुछ बदलाव है? How much is the ticket to Adyar? दादर जाने का किराया कितना है? How much time will take to reach Adyar? दादर पहुंचने में कितना समय लगेगा? Will you please inform me before the bus arrives? कृपया स्टॉप आने से पहले मुझे सतर्क करेंगे? At a shopping mall. Where is the parking area? वाहन तल कहाँ है? What is the parking charge? गाड़ी यहाँ रखने का किराया क्या है? Where is the cotton section? सूती कपड़ों का विभाग कहाँ है? Where is the billing counter? पैसे चुकाने का काउंटर कहाँ है? Do you have home delivery facility? क्या आप सामान घर पहुँचाते हो? Can I pay by credit card? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे चुका सकता हूँ? Please give me paid bill. कृपया मुझे रसीद दीजिए. Is this discount card valid over here? क्या ये छूट का कार्ड यहाँ वैध है? This is fault. Will you please change it? ये दोषपूर्ण है. कृपया आप इसे बदल कर देंगे? Where is the toilet, please? शौचालय कहाँ है? At the railway station and in the train. On which platform Konark Express will arrive? Konark Express कौन से मंच पर आएगी? Where is the reservation counter? आरक्षण खिड़की कहाँ है? Where is the train timetable? रेलवे समय सारणी कहाँ है? At what time the Konark Express will arrive? Konark Express कितने बजे आएगी? Does this train halts at Pune? क्या ये ट्रेन पुणे रुकती है? My ticket is in RAC. Is the berth available? मेरा टिकट RAC का है. क्या मुझे बर्थ मिल सकता है? I want to make a break journey. Whom shall I contact for confirmation? मुझे खंडित यात्रा करनी है. उस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? एक्सक्यूज मी, वेयर इज एन इंक्वायरी काउंटर? क्षमा कीजिए, पूछताछ की खिड़की कहाँ है? माई बैगेज इज स्टोलन फ्रॉम द ट्रेन, हुम शैल आई कॉन्टैक्ट? मेरी बैग ट्रेन से चोरी हो गई है, इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? विच स्टेशन इज दिस? ये कौन सा स्टेशन है? पोस्ट ऑफिस. प्लीज गिव मी पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ 50 रुपीज. कृपया मुझे 50 रुपयों की पोस्ट टिकट दीजिए. प्लीज गिव मी मनी ऑर्डर फॉर्म. कृपया मुझे मनी ऑर्डर का फॉर्म दीजिए. आई वॉन्ट टू रजिस्टर दिस लेटर. मुझे ये पत्र रजिस्टर करना है. आई वॉन्ट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्टल सेविंग स्कीम, हुम शैल आई मीट? मुझे पोस्ट बचत योजना की जानकारी चाहिए, मैं किससे संपर्क करूं? आई वॉन्ट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम माई अकाउंट. मुझे मेरे खाते से पैसे निकालने हैं. What is the amount of stamps required to send this letter to USA by airmail? ये पत्र हवाई जहाज से अमेरिका भेजने के लिए कितने रुपए के टिकट चाहिए?
I want to send this parcel by postal insured parcel service. मुझे ये पार्सल पोस्ट बीमा पार्सल सेवा से भेजना है. My parcel is missing. Can you please help me? मेरा पार्सल खो गया है. कृपया आप मेरी मदद करेंगे? I want to send this letter by speed post. Where is the speed post counter? मुझे ये पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है. स्पीड पोस्ट की खिड़की कहाँ है? I want to hire a PO box. Whom shall I meet? मुझे पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है. इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? बैंक. I want to open a saving account in this bank. मुझे इस बैंक में बचत खाता खोलना है. I want to hire a locker. मुझे लॉकर किराए पर लेना है. My net banking account details are missing. Can you please help me? मेरी नेट बैंकिंग की जानकारी खो गई है. कृपया आप मुझे मदद करेंगे? I want to inquire about personal loan. Will you please guide me to loan officer? मुझे व्यक्तिगत ऋण की जानकारी चाहिए. ऋण अधिकारी कहाँ मिलेंगे? I want last year's bank statements. Whom shall I contact? मुझे पिछले वर्ष का विवरण चाहिए. इस विषय में मैं किससे संपर्क करूं? I want to open a demat account. Whom shall I meet? मुझे डीमैट खाता खोलना है. मैं किससे संपर्क करूं? I want to inquire about foreign currency. मुझे परकीय चलन के विषय में जानकारी चाहिए. I have lost my checkbook. I want to stop payment on those missing checks. मेरी चेकबुक खो गई है. मुझे लापता चेक पर होने वाले पैसों की लेन देन पर रोक लगानी है. My ATM card is stuck in the ATM. How will I get it back? मेरा ATM कार्ड फंस गया है. मुझे वो वापस कैसे मिलेगा? I want to register a complaint. I want to meet the manager. मुझे शिकायत दर्ज करानी है, इसलिए मुझे मैनेजर से मिलना है. मोबाइल शॉप. प्लीज शो मी अ लेटेस्ट नोकिया मोबाइल. मुझे नोकिया का आधुनिकतम मोबाइल दिखाइए. What is the warranty period? इसकी वारंटी कितनी है? Where is the Nokia service center in this area? इस क्षेत्र में नोकिया का सर्विस सेंटर कहाँ है? Will you please explain me the features of this phone? क्या आप मुझे इस फोन की विशेषता समझाएंगे? Do you have any other company's phone in the similar range? इसी श्रेणी में किसी दूसरे कंपनी का फोन है? Do you provide USB card along with this phone? क्या आप इस फोन के साथ USB कॉर्ड देते हैं? Is there any free gift with this phone? इस फोन के साथ कोई भेंट वस्तु है? This phone is out of my budget. Please show me some other model. ये फोन मेरी क्षमता से बाहर है. कृपया मुझे कोई दूसरा दिखाइए. My phone is locked. Will you please unlock it? मेरा फोन लॉक हो गया है. कृपया आप इसे ठीक कर देंगे? How many cards can I insert in this model? इस फोन में कितने कार्ड रह सकते हैं? एस्टेट एजेंट. I want to rent a flat in this area. Can you help me? मुझे इस विभाग में मकान किराए पर लेना है. कृपया आप मेरी मदद करेंगे? How much brokerage do you charge? आपका सेवा शुल्क कितना है? Is there proper water supply? यहाँ पानी तो नियमित आता है ना? How many months agreement I have to make? कितने महीनों का अनुबंध करना होगा? What is the monthly charges? प्रति मास किराया कितना है? Monthly charges are inclusive of this rent or I have to pay them extra? महीने के किराए में सोसाइटी का किराया सम्मिलित है या वह मुझे अलग से भरना होगा? Do you have some other options in this area? क्या इस भाग में और कोई विकल्प है? I want to shift at earliest. मुझे जल्द से जल्द अपना घर बदलना है. Who will bear the registration fee? रजिस्ट्रेशन का खर्च कौन करेगा? Are there any conditions while renting this flat? ये मकान किराए पर लेने के लिए कोई और शर्त है? Books shop. Do you have Arundhati Roy's books? क्या आपके पास अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं? Is there any latest book from Sydney Sheldon? सिडनी शेल्डन की कोई नई पुस्तक आई है?
डू यू मेक प्री पब्लिश्ड बुकिंग फॉर बुक्स? क्या आप प्रकाशन पूर्व पुस्तक का आरक्षण करते हैं? When will a book book be available? A book पुस्तक कब मिलेगी? Do you have Hindi translation of this book? क्या आपके पास इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है? Is there any scheme going on? क्या आपकी कोई योजना शुरू है? Is there any discount? क्या इस पर कोई छूट है? Is there any collection of books of Harold Robbins? Harold Robbins की पुस्तकों का संग्रह है? Do you provide covers for these books? क्या आप पुस्तकों के लिए आवरण देते हैं? Where is the kids section? छोटे बच्चों का कक्ष कहाँ है? Grocery store. This is my monthly list. ये रही मेरी महीने की सूची. Will you please send this material to my home? क्या आप सामान मेरे घर भेज देंगे? What is the rate of sugar? शक्कर का मूल्य क्या है? Do you have sugar in stock? आपके पास शक्कर है? Is my ration card valid here? क्या मेरा क्षिधा पत्र यहाँ वैध है? This is too costly. Show me some other variety. ये तो बहुत ही महंगा है. मुझे दूसरा दिखाइए. Which company's basmati rice do you have? आपके पास कौन सी कंपनी का बासमती चावल है? Do you give discount? क्या आप कुछ छूट देते हैं? Do you maintain monthly diary? आप महीने का हिसाब रखते हैं? Do you clean the grain before delivery? आप अनाज देने से पहले क्या उसे साफ करते हैं? Travel agent. I want to book an air ticket to Delhi. मैं दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट आरक्षित करना चाहती हूँ. What is the current airfare for Delhi? दिल्ली के लिए हवाई जहाज का वर्तमान किराया कितना है? Do you offer any discount? क्या आप कुछ छूट देते हैं? Is the Delhi flight available for tomorrow? कल दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध है? Do you book railway tickets? क्या आप रेल की टिकटें आरक्षित करते हैं? Do you make tatkal bookings? क्या आप तात्काल टिकट आरक्षित करते हैं? Can I pay by credit card? क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकती हूँ? What is the cancellation procedure? टिकट रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? Do you book hotels for Manali? क्या आप मनाली के होटलों का आरक्षण करते हैं? Do you have any package tours for Manali? आपके पास मनाली के लिए कोई यात्रा है? Residential society. Where to park the guest cars? मेहमानों की गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह कौन सी है? Staircase lights are not working. Will you please change them? सीढ़ियों पर लगे दिए खराब हो गए हैं. कृपया आप उन्हें बदल देंगे? There is leakage in my bathroom. Is there plumber attached to this society? मेरे बाथरूम में टपकन शुरू हो गई है. क्या हमारे सोसाइटी का कोई प्लम्बर है? Can I pay society charges by check? क्या मैं सोसाइटी के पैसे चेक से चुका सकती हूँ? What are the annual charges for society club? सोसाइटी के क्लब का वार्षिक शुल्क क्या है? When is your annual general meeting? सोसाइटी की वार्षिक बैठक कब है? I want to complain about Mr. Sindhil in flat number 10. मुझे फ्लैट क्रमांक 10 में स्थित श्री अ ब क के बारे में शिकायत करनी है. सेल्स पर्सन कीप ऑन कमिंग होल डे. व्हाई सिक्योरिटी पर्सन अलाउ देम? दिन भर सारे विक्रेता आते रहते हैं. सुरक्षा रक्षक उन्हें रोकते क्यों नहीं? आई वॉन्ट माई मंथली मेंटेनेंस बिल. मुझे मेरे मासिक शुल्क की रसीद चाहिए. आई वॉन्ट टू चेंज माई नॉमिनेशन. मैं मेरा नामांकन बदलना चाहती हूँ. टैक्सी और रिक्शा. Will you take me to अंधेरी चलोगे? I hope you charge as per meter. आप मीटर के अनुसार पैसे लेते हो ना? Is any traffic jam on the route? बीच रास्ते कहीं ट्रैफिक तो नहीं है ना? How much time will you take to reach T Nagar? अंधेरी जाने के लिए कितना समय लगेगा? I think you are taking longer route. मुझे लगता है कि आप दूर के रास्ते से ले जा रहे हो. You are charging more. Take me to police. आप ज्यादा पैसे ले रहे हो.
मुझे पुलिस के पास ले चलो। Your meter is very fast. आपका मीटर तो बहुत तेज दौड़ रहा है। How much do I have to pay? कितने पैसे हुए? Please show me tariff card. मुझे किराए की सूची दिखाइए। I am taking your number and I will complain. मैं आपका क्रमांक लिख रही हूँ और आपके विरुद्ध। In airport. Good morning. May I see your passport, please? नमस्कार। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? Sure. Here it is. जी, ये रहा। Where do you come from? आप कहाँ से आई हैं? Dubai. दुबई से। Anything you wish to declare as taxable? आपके पास कुछ करपात्र सामान है? Nothing specific. नहीं, कुछ खास नहीं। Okay. May I check your luggage, please? ठीक है, जरा आपका सामान देख लूं। Here it is. Just one bag. Shall I open it? ये देखिए, केवल एक ही बैग है। क्या मैं इसे खोलूं? No, it's okay. You can go. नहीं, रहने दीजिए। आप जा सकती हैं। Thank you. धन्यवाद। In bus stop. Where do you want to go, madam? कहाँ जाना है, madam? I would like to go to Dadar station. Dadar station. How much is the ticket? टिकट कितने रुपयों का है? 5 rupees. 5 रुपए. How much time will it take to reach? वहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा? Around half an hour. करीब आधा घंटा. I am new in Mumbai. Will you please inform me when we reach? मैं मुंबई में नई आई हूँ। जरा स्टॉप आने पर मुझे बताएंगे? Dadar is the last stop, so all people get down there. दादर स्टेशन आखिरी स्टॉप है। वहाँ बस पूरी खाली हो जाती है। Oh, I see. Thanks. Oh, धन्यवाद। No mention. ठीक है। At the market. How much are these apples? इन सेबों का क्या दाम है? 200 rupees a dozen. 200 रुपए दर्जन। This is very expensive. Don't you have something else? अरे, ये तो बहुत महंगे हैं। कुछ और नहीं है? Yes, these are 100 rupees a dozen. है ना, वो रहे 100 रुपए दर्जन। But these are the best. पर ये सबसे बढ़िया है। How much is an orange? और ये संतरे? 25 rupees a dozen. 25 रुपए दर्जन। Okay, I will buy a dozen. ठीक है, तो मुझे एक दर्जन दीजिए। Here they are, madam. ये लीजिए, madam. Red. लाल। Green. हरा। Yellow. पीला। Blue. नीला। Black. काला। Violet. जामुनी। Pink. गुलाबी। Purple. कासनी। Orange. नारंगी। White. सफेद। Colors. रंग। White. The crane is white in color. सफेद। बगुले का रंग सफेद होता है। Gray. This pigeon's color is gray. धूसर। कबूतर धूसर रंग के होते हैं। Red. The rose's color is red. लाल। गुलाब का रंग लाल होता है। Blue. The sky is blue in color. नीला। आकाश का रंग नीला होता है। Yellow. The rose's color is yellow. पीला। ये पीला गुलाब है। Green. The parrot is green. हरा। तोते का रंग हरा है। Pink. This is a pink rose. गुलाबी।
ये गुलाबी रंग का गुलाब है. ऑरेंज. एन ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर. नारंगी. संतरे का रंग नारंगी है. पर्पल. दिस इज य पर्पल फ्लावर. बैंगनी. ये फूल बैंगनी रंग का है. सिल्वर. द कलर ऑफ सिल्वर इज सिल्वर. चांदी. ये चम्मच चांदी के रंग का है. करेंसी. चलन. इन इंडिया करेंसी इज रुपीज एंड पैसे. 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. 50 पैसे 50 पैसे. 1 रुपी 1 रुपया. 2 रुपीज 2 रुपए. 5 रुपीज 5 रुपए. 10 रुपीज 10 रुपए. 1 रुपी 1 रुपया. 5 रुपीज 5 रुपए. 10 रुपीज 10 रुपए. 50 रुपीज 50 रुपए. 100 रुपीज 100 रुपए. 500 रुपीज 500 रुपए. 1000 रुपीज 1000 रुपए. डायरी प्रोडक्ट्स. दूध से बने पदार्थ. बटर मिल्क. छाछ. कर्ड दही. मिल्क दूध. घी. घी. खोया. खोया. लस्सी. लस्सी. बटर माखन. क्रीम मलाई. पनीर. पनीर. वीक सप्ताह. संडे रविवार. मंडे सोमवार. ट्यूसडे मंगलवार. वेडनेसडे बुधवार. थर्सडे गुरुवार. फ्राइडे शुक्रवार. सैटरडे शनिवार. फॉर्टनाइट पक्ष. मंथ महीना. ईयर साल. डायरेक्शंस. दिशा. नॉर्थ उत्तर. साउथ दक्षिण. ईस्ट पूर्व. वेस्ट पश्चिम. सब डायरेक्शंस उपदिशा. साउथ ईस्ट अग्नेय. साउथ वेस्ट नैऋत्य. नॉर्थ वेस्ट वायव्य. नॉर्थ ईस्ट ईशान्य. ऑन ऊपर. अंडर नीचे. अबव ऊपर से. बिलो नीचे से. राइट दाहिना. लेफ्ट बायां. टुवर्ड्स राइट दाहिनी ओर. टुवर्ड्स लेफ्ट बाई ओर. ड्राई फ्रूट्स मेवा. एप्रिकॉट ड्राइड खुबानी. करोली चिरौंजी. डेट्स खजूर. डेट्स ड्राई स्किन छुआरा. फिग अंजीर. पीनट्स मूंगफली. पिस्ताशियो नट्स पिस्ता. प्रून्स मनुका. रेसिन्स किशमिश. वॉलनट्स अखरोट. फेस्टिवल्स त्योहार. गणेश उत्सव गणेशोत्सव.
दिवाली दिवाली रक्षाबंधन रक्षाबंधन दशहरा दशहरा होली होली रंग पंचमी पोला पोला गुड़ी पड़वा मकर संक्रांति महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि फ्लावर्स फूल ब्लू वाटर लिली नील कमल क्रिसेंथिमम चंद्रमल्लिका कोबरा सैफ्रॉन नाग चंपा कॉक्स कॉम्ब लाल मुर्गा क्रेप जैस्मिन चांदनी क्रोसंद्रा आबोली रोस गुलाब डचूरा सफेद धतूरा ब्यूटी ऑफ द नाइट गुल अब्बास ग्लोब अमरनाथ गुले मखमल गोल्डन चंपा चंपा हरी चंपा इंडियन तुलिप पारस पीपल लोटस कमल अरेबियन जैस्मिन मदन मोगरा हेलीकॉप्टर फ्लावर माधवी लता मलबार ग्लोरी लिली बचनाग ओलियंडर कनेर पीकॉक फ्लावर गुलेतुरा पेरीविंकल सदाबहार प्राइड ऑफ इंडिया जरूल सनफ्लावर सूरजमुखी वाटर लिली कुमुद डिशेस खाद्य पदार्थ रोटी और पोली रोटी कुक्ड वेजिटेबल्स सब्जी करी दाल सैलड सलाद पिकल अचार पापड़ पापड़ चटनी चटनी रायता रायता वड़ा वड़ा बिरयानी बिरयानी पुवन पोली पुरन पोली मोदक मोदक लड्डू लड्डू खीर खीर करंजी करंजी चकली चकली बर्फी और स्वीट्स बर्फी चिवड़ा चिवड़ा श्रीखंड श्रीखंड गुलाब जामुन गुलाब जामुन फ्रूट्स फल ग्रेप्स ग्रेप्स और स्वीट अंगूर अंगूर मीठे होते हैं ऑरेंज एन ऑरेंज हैज विटामिन सी नारंगी नारंगी क जीवन सत्व से भरपूर होती है लेमन लेमन इज सोर इन टेस्ट नींबू नींबू खट्टा होता है चेरी चेरी इज रेड इन कलर चेरी चेरी लाल रंग की होती है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज ग्रो इन कोल्ड वेदर स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ठंडे प्रदेश में उगती है पीयर पीयर इज ग्रीनिश येलो इन कलर नाशपाती नाशपाती का रंग हरा या पीला होता है बनाना बनाना इज य न्यूट्रिशियस फ्रूट केला केले पुष्टिकर होते हैं एप्पल एन एप्पल इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर हेल्थ सेब सेब सेहत के लिए अच्छे होते हैं Pineapple. Pineapple is thorny from outside. Ananas. Ananas kaantedar hota hai.
Mango. Mango is called as the king of fruits. आम. आम को फलों का राजा कहते हैं. Papaya. Papaya keeps the liver healthy. पपीता. पपीता यकृत के लिए आरोग्यदायी होता है. Plum. Plum is sweet sour in taste. आलू बुखार. आलू बुखार खट्टा मीठा होता है. Pomegranate. There are innumerous small beads in a pomegranate. अनार. अनार में अनगिनत छोटे दाने होते हैं. Watermelon. Watermelon is cool for health. Darbusani. तरबूज. तरबूज शीतल होता है. Fig. Fig is used as a dry fruit. अंजीर. अंजीर को मेवा कहते हैं. Peanuts. We get oil from peanuts. मूंगफली. मूंगफली से तेल मिलता है. Dates. Dates grow in desert. खजूर. खजूर रेगिस्तान में उगता है. Jackfruit. Jackfruit's shell is thorny. कटहल. कटहल की खोल कांटों वाली होती है. Sugar cane. Jaggery and sugar is made from sugar cane. गन्ना. गन्ने से गुड़ तथा शक्कर बनती है. Sweet lemon. Sweet lemon juice is nutritious. मुसंबी. मुसंबी का रस आरोग्यदायी होता है. Accident. दुर्घटना. Accurate. ठीक. Admiration. प्रशंसा. Aerodrome. हवाई अड्डा. Age. उम्र. Air. हवा. Application. प्रार्थना पत्र. Area. इलाका. Bad. बुरा. Bath. नहाना. Behavior. व्यवहार. Bell. घंटा. Big. बड़ा. Birthday. जन्मदिन. Boat. नाव. Bridge. पुल. Broad. चौड़ा. Center. बीच में. Cheap. सस्ता. City. शहर. Class. कक्षा. Clear. साफ. Clever. बुद्धिमान. Close. बंद. Cold. ठंडा. Comfort. आराम. Complain. शिकायत. Committee. समिति. Community. समाज. Congratulations. बधाई. Correct. सही. Costly. महंगा. Cough. खांसी. Country. देश. Court. अदालत. Dance. नाच. Date. तारीख. Day. दिन. Defective. खराब. Difficulty. कठिनाई. Direct. सीधा. Dirty. गंदा. Dry. सूखा. East. पूर्व. Easy. सरल.
Education. Shiksha. Empty. Khali. Enter. Pravesh. Entertainment. Manoranjan. Enquiry. Poochhtaach. Exhibition. Pradarshani. Fair. Kiraya. Form. Khet. Fat. Mota. Fatigue. Thakavat. Favor. Paksh. Feast. Daavat. Fever. Bukhar. Fine. Theek. Final. Akhiri. Flag. Jhanda. Fog. Kuhra. Foolish. Murkh. Foreigner. Videsh. Forest. Jungle. Free. Muft. Fresh. Taza. Fun. Maza. Gift. Upahar. Great. Mahan. Good. Achha. Health. Swasthya. Heavy. Bhari. Help. Madad. High. Uncha. Higher. Kiraya. Hobby. Shock. Holiday. Chutti. Hot. Garm. Hunger. Bhukha. Hurt. Chot. Information. Suchana. Intelligent. Buddhiman. Introduction. Parichay. Joke. Mazak. Journey. Yatra. Lane. Gali. Language. Bhasha. Large. Bada. Last. Akhiri. Leave. Chutti. Less. Kam. Lie. Jhoot. Marriage. Shadi. Message. Sandesh. Memory. Yaad. Mistake. Galati. Mountain. Pahad. Music. Sangeet. New. Naya. News. Samachar. North. Uttar. Old. Purana. Open. Kholna. Opposite. Ulta. Pain. Dard. Place. Jagah. Pity. Daya. Pleasure. Maza. Pool. Talab. Praise. Prashansa. Prayer. Prarthana. Present. Upahar. Price. Dam. Quarrel. Jhagda. Regret. Dukh. Religion. Dharm. Rent. Kiraya. Repair. Marammat. Reply. Jawab. Request. Prarthana. Rest. Aram. Rich. Amir. Ripe.
पका शार्प तेज शिप जहाज सोसाइटी समाज सॉरी खेद साउथ दक्षिण स्पीच भाषण टॉल लंबा टेंपल मंदिर थैंक्स धन्यवाद थीफ चोर थर्स्ट प्यास टाउन शहर ट्रांसलेशन अनुवाद ट्रैवल यात्रा ट्रबल मुसीबत ट्रूथ सच वैल्यू मूल्य विलेज गांव विजिटर दर्शक वॉश धोना वीक सप्ताह वेल्थ धन वेट वजन वेस्ट पश्चिम विंड हवा व्हील पहिया वर्ल्ड संसार वर्शिप पूजा यर साल यंग जवान जू चिड़ियाघर जनरल वर्ड्स हेलो नमस्ते हाउस घर वाटर पानी यस हाँ नो नहीं लेस कम मोर ज्यादा सम थोड़ा अर्ली जल्दी फूड खाना स्टॉप रुको वैल्यू दाम शॉप दुकान मार्केट बाजार वॉच घड़ी लॉक ताला की चाबी टेबल मेज चेयर कुर्सी मॉर्निंग सुबह या सवेरे आफ्टरनून दोपहर इवनिंग शाम नाइट रात डे दिन टुडे आज यस्टरडे कल टुमॉरो कल डे बिफोर यस्टरडे परसों डे आफ्टर टुमॉरो परसों मदर माँ या मम्मी फादर पापा गॉड भगवान फ्लावर फूल प्रेयर पूजा सॉन्ग गाना लव प्यार स्काई आकाश सन सूरज अर्थ भूमि मून चांद प्लैनेट्स ग्रह सी सागर फॉरेस्ट जंगल रिवर नदी रेन
वर्षा सनशाइन धूप एयर हवा स्टॉर्म आंधी थंडर बिजली समर गर्मी विंटर ठंड रेनी बारिश मेटल्स धातु एल्युमिनियम एल्युमिनियम इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं स्टील स्टील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉय इस्पात सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है आयन आयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स लोहा लोहे के औजार बनते हैं गोल्ड गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी सोना सोने के जेवर बनते हैं सिल्वर सिल्वर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स चांदी चांदी के बर्तन या जेवर बनते हैं कॉपर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तांबा तांबे के बर्तन बनते हैं सल्फर सल्फर इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज गंधक गंधक का उपयोग कारखानों में होता है जिंक जिंक इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज जस्ता जस्ते का उपयोग कारखानों में होता है ब्रोंज ब्रोंज इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यूज कांस्य कांस्य के पुतले बनते हैं ब्रास ब्रास इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स पीतल पीतल के बर्तन बनते हैं Months as per the English calendar, अंग्रेजी महीने January, जनवरी February, फरवरी March, मार्च April, अप्रैल May, मई June, जून July, जुलाई August, अगस्त September, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर दिसंबर लेट अस लर्न मंथ्स एज पर द इंडियन कैलेंडर भारतीय महीने चैत्र चैत्र वैशाख वैशाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ आषाढ़ आषाढ़ श्रावण श्रावण भाद्रपद भाद्रपद अश्विन अश्विन कार्तिक कार्तिक मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष पौष पौष मघ माघ फाल्गुन फाल्गुन अंक नंबर्स वन एक टू दो थ्री तीन फोर चार फाइव पांच सिक्स छः सेवन सात एट आठ नाइन नौ टेन दस इलेवन ग्यारह ट्वेल्व बारह थर्टीन तेरह फोर्टीन चौदह फिफ्टीन पंद्रह सिक्सटीन सोलह सेवनटीन सत्रह एटीन अठारह नाइनटीन उन्नीस
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50
आई आंख थंब अंगूठा लिप होंठ वेस्ट कमर शोल्डर कंधा रिस्ट कलाई हील एड़ी नेक गर्दन ईयर कान थ्रोट गला चीक्स गाल लैप गोद नी घुटना स्किन चमड़ी फेस चेहरा टंग जीभ लेग पैर टूथ दांत ब्रेन दिमाग नोज नाक माउथ मुंह ब्लड खून पार्ट्स ऑफ द बॉडी शरीर के अंग बॉडी शरीर हेड सिर थ्रोट गला नेक गर्दन फोरहेड माथा हेयर केश आई आंख ब्रोस भ्रुकुटी नोस नाक ईयर कान फेस मुख टंग जीभा टीथ दांत चीक गाल लिप्स होंठ चेस्ट छाती बैक पीठ बेली पेट लेग पांव थाइस जांग फिस्ट मुष्टी फिंगर उंगली रिस्ट कमर नावल नाभि स्किन त्वचा नेल नाखून फ्रेसेस स्टार्टिंग ए कॉन्वर्सेशन विथ ए स्ट्रेंजर किसी अजनबी के साथ बातचीत की शुरुआत एक्सक्यूज मी क्षमा कीजिए सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू बट आपको कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिए परंतु आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग बट मुझे आशा है आपको कष्ट नहीं होंगे पर क्या आप लवली डे नाइस डे नाइस वेदर Isn't it? कितना सुहाना मौसम है ना? Hello. नमस्कार. Greetings. अभिवादन. Hi. How are you? नमस्कार. कैसे हैं आप? Hello. Nice to see you again. नमस्कार. आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई. Good morning. Good afternoon. गुड इवनिंग सुप्रभात शुभ संध्या शुभ रात्रि व्हाट्स न्यू अरे कुछ नया हालचाल सुनाइए मेकिंग रिक्वेस्ट निवेदन करना कैन यू प्लीज कुड यू प्लीज कृपया क्या आप कैन आई प्लीज कुड आई प्लीज क्या मैं वुड यू माइंड प्लीज अगर बुरा न मानो तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मैं बहुत आभारी रहूंगी अगर आप प्लीज डू मी अ फेवर बाय क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे आपको अच्छा लगे कि व्हाई डोंट यू क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाउ अबाउट अगर हम ऐसा करें तो लेट्स लेट मी चलो हम ऐसा करते हैं कि पर्सुएडिंग मनाना
समझाना। प्लीज लेट मी, कृपया मुझे अनुमति दें कि इफ यू लेट मी, क्या आप मुझे ये अनुमति नहीं देंगे कि व्हाई डोंट यू, आप ऐसा क्यों नहीं करते? जस्ट दिस वंस प्लीज, कृपया सिर्फ इस बार करने दें। बट द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी टू, परंतु सबसे अच्छा यही होगा कि आप आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी लेना, पूछना। कैन यू टेल मी प्लीज, कृपया क्या आप मुझे बताएंगे? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि डू यू हैपन टू नो, क्या आपको पता है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुड एनीवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कंप्लेनिंग, शिकायत। आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप बट, ये बात उठाने के लिए मुझे क्षमा करें पर, आई एम सॉरी टू से दिस बट, आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस बट, कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ पर, कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ पर, आई हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम हियर यू सी, यहाँ मुझे थोड़ी सी कठिनाई है। आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ कंप्लेंट अबाउट, यहाँ मेरी शिकायत है कि आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ कंप्लेंट टू मेक, मुझे खेद है पर मुझे शिकायत करनी ही होगी। कॉम्प्लीमेंट्स, प्रशंसा। टू कंग्रेचुलेट, प्रशंसा करना। वॉट अ ब्यूटिफुल, वाह कितना सुंदर। वॉट अ वंडरफुल, ये तो बहुत ही सुंदर है। यू लुक रियली स्मार्ट, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। इट वॉज नाइस टू हियर दैट, इट वॉज ग्रेट टू हियर दैट, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। एक्सप्रेसिंग सिंपति, सहानुभूति दर्शाना। आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए। आई एम सो सॉरी टू लर्न दैट, सुनकर बहुत दुख हुआ। इट्स टेरिबल, ये तो बहुत बुरा हुआ। इट्स रियली अपसेटिंग, ये तो बड़ा ही दर्दनाक है। You must be terribly upset. आपको तो बहुत दुख हुआ होगा। Warning someone. चेतावनी देना। Be careful. खबरदार। Mind your. अपने काम से मतलब रखिए। Watch out. खबरदार। Look out. ध्यान से। I think you are making a mistake. तुम गलती कर रही हो। तुम गलती कर रहे हो। मेकिंग चॉइसेस, आस्किंग वंस प्रेफरेंस, आस्किंग वंस रिप्लाई। व्हाट वुड यू प्रेफर, आप क्या पसंद करोगे? व्हाट वुड यू चूज, आपकी पसंद क्या है? आई वुड प्रेफर, मेरी पसंद से। पॉसिबिलिटी, संभावना। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या इसकी कुछ संभावना है? आई थिंक इट्स गोइंग टू, मुझे लगता है शायद। Perhaps, probably, maybe, शायद। Asking for information, जानकारी। Could you tell me please, क्या आप बता सकते हैं कि Do you happen to know, मुझे ये जानना था कि Could anyone tell me, क्या कोई मुझे बता सकता है कि एंडिंग ए कॉन्वर्सेशन, संभाषण समाप्ति। आई एम अफ्रेड आई मस्ट गो नाउ, मुझे खेद है कि मुझे अब जाना होगा। आई होप यू डोंट माइंड माई लीविंग, आशा है कि मेरे जाने से आपको आपत्ति नहीं होगी। आई मस्ट रियली बी गोइंग, मुझे अब सचमुच चलना ही चाहिए। आई एम सॉरी
But I have a meeting at 3 o'clock. क्षमा करें, पर 3 बजे मेरी मीटिंग है. I am sorry, but I am expecting an important visitor now. क्षमा करें, पर मेरे यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं. Let us learn seasons. Season, ऋतु. Winter. The weather is cold in winter. शिशिर. शिशिर ऋतु में हवा ठंडी रहती है. Summer. Sun is harsh during summer. ग्रीष्म. ग्रीष्म ऋतु में कड़ी धूप निकलती है. Autumn. Flowers blossom during autumn. शरद. शरद ऋतु में सुंदर फूल खिलते हैं. Spring. Birds sing in spring. बसंत. बसंत ऋतु में पंछी गाना गाते हैं. Shapes. आकार. Circle. गोल. Triangle. त्रिकोण. Square. चौरस. Rectangle. आयत. Pentagon. पंचकोण. Hexagon. षटकोण. Octagon. अष्टकोण. Oval. अंडाकृति. Cube. घन. Cone. कोण. Cylinder. दंडगोल. Spices. मसाले. एसाफोटिडा. हींग. ब्लैक क्यूमिन. काली मिर्च. सिनेमन. दालचीनी. क्लोव्स. लौंग. कोरिएंडर. धनिया. क्यूमिन. जीरा. ड्राई जिंजर. सौंठ. फेनल और एनिसीड. सौंफ. फेनुग्रीक. मेथी दाना. ग्रीन कॉर्डमम. हरी इलायची. मस्टर्ड. राई. नटमेग. जायफल. ओरिगैनो. अजवान. पॉपी सीड्स. खसखस. रॉक. ब्लैक सॉल्ट. काला नमक. सिसेम सीड्स. तिल. टैमरिंड. इमली. टर्मरिक. हल्दी. टाइम पीरियड. समय. टाइम. समय. सेकंड. क्षण. मॉर्निंग. प्रभात. इवनिंग. संध्या. नाइट. रात्रि. मिडनाइट. अर्धरात्रि. आफ्टरनून. दोपहर. डे. दिन. एवरीडे. प्रतिदिन. टुडे. आज. यस्टरडे. कल. डे बिफोर यस्टरडे. परसों. डे आफ्टर टुमारो. परसों. टुमारो. कल. वीक. सप्ताह. मंथ. मास. डेट. तिथि. ईयर. वर्ष. व्हाट टाइम इज इट. क्या समय है. इट इज 6 o'clock. 6 बजे हैं. 30 minutes past. साढ़े. इट इज 10:30. साढ़े 10 बजे हैं. 15 minutes past. सवा. इट इज 4:15. सवा 4 बजे हैं. 5 minutes to. पौने. इट इज 4:45. पौने 5 बजे हैं. व्हीकल्स. वाहन. बस. बस. रिक्शा. रिक्शा. ट्रेन. रेल. ट्रक. ट्रक. टैक्सी. टैक्सी. बाईसाइकिल. साइकिल. कार. गाड़ी. टू व्हीलर. दो पहिया. एरोप्लेन. हवाई जहाज. शिप. जहाज. वेजिटेबल्स. जिंजर. अदरक. पोटैटो. आलू. क्यूकम्बर. ककड़ी. खीरा. पम्पकिन. कद्दू. बिटर गोर्ड.
करेला लेमन नींबू बीटरूट चुकंदर कोरिएंडर धनिया बीन्स सेम कैबेज पत्ता गोभी कॉलीफ्लावर फूल गोभी मिंट पुदीना स्पिनच पालक अनियन प्याज ब्रिंजॉल बैंगन कॉर्नियर भुट्टा लेडीज फिंगर भिंडी पी मटर रैडिश मूली चिली मिर्ची वेजिटेबल्स सब्जियां बीटरूट बीटरूट इज रेड इन कलर चुकंदर चुकंदर लाल रंग का होता है ब्रिंजॉल ब्रिंजॉल इज वायलेट इन कलर कत्तरीकाय बैंगन बैंगन नील लोहित रंग का होता है कैबेज कैबेज इज ग्रीन इन कलर पत्ता गोभी हरा होता है कैप्सिकम कैप्सिकम इज स्पाइसी शिमला मिर्च तीखी होती है कैरेट कैरेट इज अ रूट गाजर गाजर जमीन के नीचे उगती है कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर लुक्स लाइक ए फ्लावर फूल गोभी फूल समान होता है कॉर्न कॉर्न इज येलो इन कलर मकई मकई पीले रंग की होती है कुकुम्बर कुकुम्बर बिलोंग्स टू द सैलेड फैमिली ककड़ी ककड़ी से रायता बनाते हैं गार्लिक गार्लिक बिलोंग्स टू द स्पाइसेस फैमिली लहसुन लहसुन तीखी होती है जिंजर जिंजर इज योर गुड फॉर डाइजेशन अदरक अदरक बहुत पाचक होता है लेडीज फिंगर लुक्स लाइक ए स्वॉर्ड भिंडी भिंडी का आकार तलवार समान होता है मिंट मिंट इज यूज्ड एज स्पाइसेस पुदीना पुदीना मसाले के रूप में उपयोग में लाते हैं मशरूम मशरूम कलर इज व्हाइट छतरक छतरक का उपयोग सब्जी में होता है ऑनियन ऑनियन मेक्स आइस टियरी व्हाइल कटिंग प्याज प्याज काटते समय आंखों में पानी आता है पी पीज कैन बी यूज्ड इन मेनी फूड रेसिपीज मटर मटर से बहुत पदार्थ बनते हैं पोटैटो पोटैटो इज कल्टीवेटेड इन ऑल कंट्रीज आलू आलू दुनिया भर में उगता है पम्पकिन पम्पकिन इज वेरी बिग कद्दू कद्दू आकार से गोल और बड़ा होता है रेडिश रेडिश इज गुड फॉर डाइजेशन मूली मूली बहुत ही पाचक होती है स्पिनच स्पिनच इज ग्रीन इन कलर पालक पालक हरे रंग की होती है टोमेटो टोमेटो इज अ जूसी वेजिटेबल टमाटर टमाटर रसीले होते हैं वोकैबुलरी शब्द संग्रह मैन पुरुष
Principal. Pracharya. Teacher. Shikshak. Student. Vidyarthi. Secretary. Sachiv. Doctor. Vaid. Nurse. Paricharika. Medicine. Aushad. Dava. Painkiller. Vedana Nashak. Tablets. Goliyan. Child. Bacha. Adult. Prod. School. Vidyalay. College. Mahavidyalay. University. Vidyapit. Establishment. Dutavas. Music. Sangeet. Work. Kaam. Occupation. Vyavsay. Population. Lok Sankhya. Accident. Abghat. Quarrel. Jhagda. Promise. Vachan. Competition. Spardha. Practice. Abhyas. Training. Prashikshan. Discussion. Charcha. Examination. Pariksha. Inquiry. Poochtaach. Answer. Uttar. Problem. Samasya. Question. Prashn. Reservation. Arakshan. Plans. Yojna. Program. Karyakram. Sea. Sagar. Mountain. Parvat. River. Nadi. Lake. Sarovar. Island. Dweep. Sky. Akash. Desert. Registan. Hot water. Garam pani. Ice. Barf. Chair. Kursi. Sewage. Kachra. Rubbish bin. Kachra peti. Soap. Sabun. Comb. Kanghi. Broom. Jhadu. Bottle. Botal. Plate. Thali. Teacup. Cup. Spoon. Chammach. Kitchen. Rasoi ghar. Room. Kholi. Door. Darwaza. Window. Khidki. Bedroom. Shayan gruh. Toilet. Shauchalay. Bathroom. Snan gruh. License. Parvana. Luggage. Saman. Travel. Yatra. Airport. Hawaii adda. Bus stand. Bus thamba. Bank. Bank. Thief. Chor. Factory. Karkhana. Office. Kachahari. Capital city. Rajdhani. Village. Gaav. Building. Imarat. Garden. Bagicha. Aquarium. Matsyalay. Breakfast. Nashta. Hobby. Shock. Envelope. Lifafa. Notebook. Notebook. Map. Naksha. Painting. Chitra. Ring. Anguthi. Watch. Ghadi. Spectacles. Anak. Umbrella. Chhatri. Ornaments. Gehne. Signature. Swakshari. Gift. Bhet vastu. Age. Ayu. Height. Unchai. Rain. Varsha. Storm. Hava. Earthquake. Bhukamp. Thunder. Tufan. How to address different people. In this lesson, we will teach you how to address yourself and how to address the other person with whom you are talking.
You will also learn how to mention in your conversation a person other than the two of you, how to address a group including yourself and excluding yourself. व्यक्तियों के बारे में जानकारी. Addressing yourself, I. मैं. Addressing the other person in one-to-one communication, you. तुम या आप. Addressing a third person other than the two of you, he or she. वह. Addressing a group that includes the two of you, we. हम. Addressing a group excluding the two of you, they. वे. Let us now look at some examples. आइए कुछ उदाहरण देखें. I work in a bank. मैं बैंक में काम करता हूँ. You are clever. आप या तुम बुद्धिमान हो. He or she is standing. वह खड़ा या खड़ी है. We are going. हम जा रहे हैं. They play. वे खेलते हैं. Possessive words. अधिकार सूचक शब्द. These words denote the possession of the person or persons. We use possessive words to speak about something belonging to a person at a particular time. ये शब्द व्यक्ति का अधिकार बताते हैं. My. मेरा. Yours. तुम्हारा या आपका. His or hers. उसका. Ours. हमारा. Theirs. उनका. To understand this, let us look at the following examples. इन्हें समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. My name is Garima. मेरा नाम गरिमा है. This pen is yours. यह तुम्हारी कलम है. This is her house. यह उसका घर है. This is his bicycle. यह उसकी साइकिल है. Chennai is our city. चेन्नई हमारा शहर है. How to address while giving or taking something. लेते या देते समय कैसे उपयोग करते हैं. Give to. दीजिए. To me. मुझको या मुझे. To him or to her. उसको या उन्हें. To us. हमको या हमें. To them. उनको या उन्हें. Take from. लीजिए. From me. मुझसे. From him or her. उससे. From us. हमसे. From them. उनसे. To clarify this, let us look at some examples. इन्हें समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. Give that pen to me. वो पेन मुझको दीजिए. Give this file to him. ये फाइल उन्हें दीजिए. Give this to her. ये उनको दीजिए. Give us tea. हमको चाय दीजिए. Give them coffee. उन्हें कॉफी दीजिए. Take the file from her. उनसे फाइल लीजिए. Take some medicine from me. मुझसे दवाई लीजिए. Take a book from him. उससे किताब लीजिए. Take advice from them. उनसे सलाह लीजिए. Take the bonus from us. हमसे बोनस लीजिए. One word sentences.
एक शब्द वाक्य। In this lesson, we shall learn how to convey messages with the help of a single word. This is applicable when two persons are talking with one another. This communication is useful for either giving an order or for making a request. एक शब्द वाक्य। इस पाठ में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह सिर्फ एक शब्द से वाक्य बनाकर हम संवाद कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब यह संभव है। यह आदेश देने या विनती करने में प्रयोग आता है। इसे करने के लिए मुख्य क्रिया में से ना हटाकर ईजीए या ईए या ओ लगाया जाता है। ईजीए या ईए सम्मानात्मक शब्द हैं। ओ साधारणतया उपयोग में आता है। To understand this, look at some examples. इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। Take, लेना, लीजिए, लो। Give, देना, दीजिए, दो। Do, करना, कीजिए, करो। Speak, बोलना, बोलिए, बोलो। Send, भेजना, भेजिए, भेजो। See, देखना, देखिए, देखो। Now do some exercises. आइए कुछ अभ्यास करें। If we want to make big sentences using these words, you can add another set of words, keeping the last word unchanged. अगर आप इसी तरह से बड़ा वाक्य बनाना चाहें, तो आगे और शब्द जोड़ते जाइए, पर मुख्य क्रिया का रूप वैसा ही रहेगा। Hear, keep, sit, drink, sleep, beat, add, go, show, make. The following illustrations will clarify this further. निम्न उदाहरण से इसे हम समझेंगे। Give me a cup of coffee. मुझे एक कप कॉफी दीजिए या मुझे एक कप कॉफी दो। You write a letter. आप एक पत्र लिखिए या आप एक पत्र लिखो। New words list. नए शब्दों की सूची। Beat, मारना, add, जोड़ना, bring, लाना, ring, फोन करना, arrange, ठीक करना। ता lesson, ता पाठ। Let us begin with the ता lesson. This is useful for our routine work or day-to-day activities. The pattern of sentences are as follows. I come. मैं आता हूँ. Here we use the verb ta from the list of the verbs mentioned earlier. Now, let us learn how to use ta, the main verb, and hai, helping verb. आइए, ta पाठ से शुरुआत करते हैं। ये हमारे दैनिक सामान्य काम जो रोजाना किए जाते हैं वह बताता है। आइए देखें वाक्य कैसे बनता है। मैं आता हूं। यहां हम ता क्रिया उपयोग में लाएंगे। आइए अब सीखते हैं कि ता मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया का कैसे उपयोग होता है। मैं ता ती हूं
तुम, ते, हो, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ता, ती, है, हम, ते, है, वे, ते, है. Let us look at the following examples. निम्न उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है. I go. मैं जाता हूँ. I drink. मैं पीता हूँ. You go. तुम जाते हो. You drink. तुम पीते हो. He goes. वह जाता है. He drinks. वह पीता है. She goes. वह जाती है. She drinks. वह पीती है. We go. हम जाते हैं. We drink. हम पीते हैं. They go. वे जाते हैं. They drink. वे पीते हैं. A statement can be negated using not. नकारात्मक वाक्य में नहीं जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए Let us see some examples. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं. I do not go. मैं नहीं जाता हूँ. I do not drink. मैं नहीं पीता हूँ. You do not go. तुम नहीं जाते हो. You do not drink. तुम नहीं पीते हो. He does not go. वह नहीं जाता है. He does not drink. वह नहीं पीता है. She does not go. वह नहीं जाती है. She does not drink. वह नहीं पीती है. We do not go. हम नहीं जाते हैं. We do not drink. हम नहीं पीते हैं. They do not go. वे नहीं जाते हैं. They do not drink. वे नहीं पीते हैं. Question words. प्रश्न शब्द. Till now, we have learned how to make sentences. In this lesson, we will learn how to frame questions and also how to answer them. वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? अभी तक ये हमने पढ़ा है. अब पढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं एवं उत्तर कैसे दिए जाते हैं. For making a question, we use the following question words. प्रश्न बनाने के लिए हम कुछ विशेष शब्द प्रयोग में लाते हैं. What? क्या? When? कब? How? कैसे? Where? कहाँ? Why? क्यों? किस लिए? Whom? किसको? How much? कितना? Who? कौन? For answering a question, we use the following connecting words. एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम निम्न जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं. So. इसलिए. Because. क्योंकि. When. जब. At that time. तब उसी समय. Now. अब. Look at the following sample questions. प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. Does he write a letter? क्या वह पत्र लिखता है? Where is his brother? उसका भाई कहाँ है? What is your name? आपका नाम क्या है? When do you play? आप कब खेलते हो? How does he go home? वह घर कैसे जाता है? Who sells this book? ये किताब कौन बेचता है? The general guidelines for answering the above questions are: replace the question word with the answer word, keeping the remaining part of the sentence same. इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सामान्य नियम: प्रश्न शब्द को हटाइए, उसके स्थान पर उत्तर रखिए, बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा. These guidelines will be more clear when we look at the answers to the above questions. इस बात को अच्छे से समझने के लिए
उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हाँ, वह पत्र लिखता है। उसका भाई भोपाल में है। मेरा नाम मिनी है। मैं सुबह खेलता हूँ। वह घर बस से जाता है। ये किताब मोहन बेचता है। New words in this lesson. पाठ के नए शब्दों की सूची। Letter. पत्र। Brother. भाई। Morning. सुबह। Sell. बेचना। Red. लाल। Color. रंग। Flower. फूल। गा lesson. Future. गा पाठ भविष्य। How do we change the present tense sentences into future tense sentences? कैसे हम वर्तमान वाक्य को भविष्य में बदलेंगे? ये हम सीखेंगे। Many times it is necessary to express actions to be done in the future. Hence, change of tense is required to do so. In Hindi, this change of tense is done by applying the suffix ga and its derivatives to the verb in the place of tha. कई बार कुछ समय बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत होती है। उसी समय हमें वाक्य को भविष्य में बदलने की जरूरत होती है। हिंदी में आखिरी ध्वनि ता को हटाकर गा लगा देते हैं और वाक्य बन जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। Details of ga and its derivatives to be used as per noun, pronoun are as follows. Ga ka roop kaisa hota hai? Sangya aur sarvanam ke saath ye dekhte hain. Main purling ya striling. Unga ungi. Tum hoge. Vah purling ya striling. एगा एगी, हम एंगे, वे एंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नहीं बिफोर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, नकारात्मक वाक्यों में नहीं क्रिया के पहले आएगा। उदाहरण, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नहीं जाऊंगा जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे। वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नहीं जाएगा या जाएगी। हम नहीं जाएंगे। वे नहीं जाएंगे। Let us see some examples how to change present into future. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं वर्तमान से भविष्य में जाने के। I go. मैं जाता हूँ। I shall go. मैं जाऊंगा। I drink. मैं पीता हूँ। I shall drink. मैं पीऊंगा। You go. तुम जाते हो। You will go. तुम जाओगे। You drink. तुम पीते हो। You will drink. तुम पियोगे। He goes. वह जाता है। He will go. वह जाएगा। He drinks. वह पीते हैं। He will drink. वह पिएगा।
She goes. वह जाती है. She will go. वह जाएगी. She drinks. वह पीती है. She will drink. वह पिएगी. We go. हम जाते हैं. We shall go. हम जाएंगे. We drink. हम पीते हैं. We shall drink. हम पिएंगे. They go. वे जाते हैं. They will go. वे जाएंगे. They drink. वे पीते हैं. They will drink. वे पिएंगे. Connecting words. जोड़ने वाले शब्द. In this unit, we will learn about connecting words. They connect two units in a sentence and specify the relationship between them. इस प्रकार के वाक्यों में हम कम शब्दों का लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं. इस प्रकार के शब्द दो समूह या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं. They are as follows. वे इस प्रकार हैं. For. लिए. From. By. With. से. In. मैं. अंदर. पर. Outside. बाहर. Above and over. ऊपर. Under and below. नीचे. Beside. पास में. Between. बीच में. Behind. पीछे. In front. आगे. सामने. And. और. Or. या. S. का. के. की. Now we shall learn how to use these words. अब हम इन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे. For is used to connect activity with the noun or pronoun. लिए संज्ञा सर्वनाम को किसी कार्य से जोड़ता है. I bought some flowers for you. मैंने आपके लिए कुछ फूल खरीदे. From, by, with is used to talk about instruments used to perform actions. I write with a pen. मैं पेन से लिखता हूँ. Sunil goes to office by car. सुनील कार से ऑफिस जाता है. In, at connects the noun or pronoun with the place. मैं यह संज्ञा और सर्वनाम को जगह से जोड़ता है. Father is at home. पापा घर में पर हैं. Books are in the almira. अलमारी के अंदर किताबें हैं. A film is running on TV. टीवी पर फिल्म चल रही है. Outside. This connects noun or pronoun with place. बाहर. यह संज्ञा सर्वनाम की जगह बताता है. We are going outside. हम बाहर जा रहे हैं. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. Above and over, under and below. They are used to talk about relative positions of objects. ऊपर या नीचे. ये वस्तु की संबंध स्थिति बताते हैं. Above or over can be used to mean higher than. ऊपर ऊंची जगह बताता है. The books are over the table. टेबल के ऊपर किताबें हैं. Ram's wallet is over the TV. राम का पर्स टीवी के ऊपर है. Under or below can be used to mean lower than. नीचे नीची जगह बताता है.
The books are under or below the table. टेबल के नीचे किताब है. Ram's wallet is below the TV. राम का पर्स टीवी के नीचे है. Beside. There is a river beside the temple. वह मंदिर नदी के पास है. In between. बीच में. Between is used to relate something or someone, usually with two things or persons. बीच में का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच की स्थिति बताता है. Amina was sitting between a man and his brother. Amina अमन और उसके भाइयों के बीच में बैठी है. Behind. Here we show the back position. पीछे. यहाँ पीछे की स्थिति बताते हैं. Piyush parks his bike behind the door. Piyush उसकी बाइक दरवाजे के पीछे रखता है. In front. Here we show the front position. सामने या आगे. यहाँ आगे की स्थिति बताता है. There is a garden in front of my house. मेरे घर के सामने आगे एक बगीचा है. And here we show something together. और यहाँ हम दो चीजों को साथ में बताते हैं. राम एंड सीता. राम और सीता. टी एंड समोसा. चाय और समोसा. और here we show choice. या यहाँ हम विकल्प बताते हैं. टी और कॉफी. चाय या कॉफी. का की के. का की के. These words are used to show the relationship between two persons or things. ये शब्द दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताता है. You will understand this better with the following examples. आप निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं. लक्ष्मण इज राम्स ब्रदर. राम का भाई लक्ष्मण है. सीता हैज वन ब्रदर. सीता का एक भाई है. राम हैज फोर ब्रदर्स. राम के चार भाई हैं. सीता के एक भाई और एक बहन है. सीता इज राम्स वाइफ. राम की पत्नी सीता है. सीता हैज वन सिस्टर एंड वन ब्रदर. सीता की एक बहन और एक भाई है. वी यूज का के की टू रेफर टू अ सेकेंड पर्सन. हम का के की का प्रयोग हमेशा दूसरे व्यक्ति को देखकर करते हैं. फॉर अ सिंगल मेल पर्सन वी यूज का. एक पुरुष के लिए का उपयोग में लाते हैं. फॉर मोर देन वन मेल पर्सन वी यूज के. एक से ज्यादा पुरुष के लिए के का उपयोग होता है. फॉर ऑल फीमेल्स वी यूज की. सभी महिलाओं के लिए की का प्रयोग होता है. Have a look at some more examples. आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं. Mother's pen. मम्मी का पेन. Sheila's house. शीला का घर. College of commerce. कॉमर्स का कॉलेज. Rose flower. गुलाब के फूल. Grandmother's book. नानी की किताब. आ ई. आ ई. Now we shall see how to talk about events or actions that are past. For making a simple past, we use past verb. Its last sounds are always a for male and e for female. अब हम देखेंगे
कि किस तरह भूतकाल की घटना या कार्य के बारे में बात करेंगे। इसके लिए भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करेंगे जिसके आखिर में आ ई की ध्वनि आती है। We have already learnt how to change a verb in past tense in the previous lessons. हम पहले ही क्रिया के पाठ में देख चुके हैं कि क्रिया को कैसे बदला जाता है। For example, उदाहरण के लिए He goes to school. वर्तमान काल, वह विद्यालय जाता है। He went to school. भूतकाल, वह विद्यालय गया। Now we shall study how to use the verb according to the noun or pronoun. अब हम देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम के साथ क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे। एक उदाहरण देखिए। भूतकाल की क्रिया आया। I, मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, आया या आई। You, तुम, आए। He, she, वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, आया या आई। We, हम, आए। They, वे, आए। Let us see some examples of how to change present into past. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि वर्तमान काल भविष्य में कैसे बदलता है। I go. मैं जाता हूँ। I went. मैं गया। I drink. मैं पीता हूँ। I drank. मैंने पिया। You go. तुम जाते हो। You went. तुम गए। You drink. तुम पीते हो। You drank. तुमने पिया। He goes. वह जाता है। He went. वह गया। He drinks. वह पीता है। He drank. उसने पिया। She goes. वह जाती है। She went. वह गई। She drinks. वह पीती है। She drank. उसने पिया। We go. हम जाते हैं। We went. हम गए। We drink. हम पीते हैं। We drank. हमने पिया। They go. वे जाते हैं। They went. वे गए। They drink. वे पीते हैं। They drank. उन्होंने पिया। When we wish to say that a particular work is done by a particular person, that time we connect ne with that person. जब कोई विशेष काम विशेष व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है, तब हम व्यक्ति के साथ ne का प्रयोग करते हैं। सिर्फ ne वाक्य में ही हम दूसरे व्यक्ति के लिंग के अनुसार क्रिया बदलते हैं। ऐसे समय हमें लिंग के प्रति सचेत रहना चाहिए। मैंने पिया। इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज कंप्लीटेड बाय मी, सो वी यूज ने, एंड द वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंगली। मैंने पिया। इस उदाहरण में पीने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है और पानी जो तरल है वह पुरलिंग माना जाता है, अतः क्रिया पानी के अनुसार बदली जाएगी। Now we shall see how to add ne in the noun or pronoun as per the gender. अब हम देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम में ne कैसे जुड़ता है। मैं
पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मैंने तुम तुमने वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग उसने हम हमने वे उन्होंने इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नहीं बिफोर वर्ब्स नकारात्मक वाक्यों में नहीं क्रिया से पहले आएगा फॉर एग्जाम्पल मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं आया या आई तुम नहीं आए वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं आया या आई हम नहीं आए वे नहीं आए यू वुड लाइक टू नो सम मोर एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए ही वेंट टू स्कूल वह विद्यालय गया स्मिता केप्ट द बुक ऑन द टेबल स्मिता ने किताब मेज पर रखी आई पेड हिम 100 रुपीज मैंने उसे 100 रुपए दिए कांचन रेड अ स्टोरी कंचन ने एक कहानी पढ़ी प्रसून लाफ्ड एट यू प्रसून तुम पर हंसा लेखा आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस लेखा ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे I thought he would not come. मैंने सोचा वह नहीं आएगा. We did not win the match. हमने मैच नहीं जीता. पंखुरी did not live in the hostel. पंखुरी हॉस्टल में नहीं रही. New words in this lesson. इस पाठ में आए नए शब्द. Laughed. हंसा. मुख्य क्रिया. हंसना थॉट सोचा मुख्य क्रिया सोचना विन जीतना लिव रहना हियर यहां बॉट खरीदा मुख्य क्रिया खरीदना फेल्ट महसूस किया मुख्य क्रिया महसूस करना सॉरी दुख खेद सर्च खोज ढूंढना एवरीवेयर हर जगह रीच्ड पहुंचा मुख्य क्रिया पहुंचना लास्ट नाइट कल रात पुट ऑन पहनना ट्राइड कोशिश किया मुख्य क्रिया कोशिश करना बेस्ट बहुत अच्छा स्टेटमेंट सेंटेंसेस विवरणात्मक वाक्य मेनी टाइम्स वी यूज सिंपल सेंटेंसेस To state about any person or ourself. These are called statement sentences. कई बार हम अपने या किसी और के बारे में विवरण देते हैं ये विवरणात्मक वाक्य कहलाते हैं To make these type of sentences, we need only the helping verb. इस तरह के वाक्य बनाने के लिए सिर्फ सहायक क्रिया है की जरूरत होती है लुक एट सम एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण देखें माई नेम इज अनीता मेरा नाम अनीता है दैट इज मोहन्स हाउस वह मोहन का घर है देर इज अ बिग फंक्शन इन माई स्कूल मेरे विद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम है माई होम टाउन इज इंदौर मेरा पितृगृह इंदौर है माई डॉटर्स फ्रेंड इज वेरी ब्यूटिफुल
मेरी बेटी की सहेली बहुत खूबसूरत है. Your work is nice. आपका काम बहुत अच्छा है. He has four brothers. उसके चार भाई हैं. I have no time. मेरे पास समय नहीं है. When we want to give a statement about the future or the past, we apply the same procedure, except that the appropriate change needs to be made in the helping verbs too. जब हम इन वाक्यों को भूतकाल या भविष्यकाल में प्रयोग करना चाहते हैं, तब वाक्य रचना वही रहेगी, सिर्फ सहायक क्रिया भूतकाल और भविष्यकाल की होगी. भविष्य को सहायक क्रिया होगा या होगी, भूतकाल को सहायक क्रिया था या थी. Look at some examples. कुछ उदाहरण देखें. My job will be in Delhi. मेरी नौकरी दिल्ली में होगी. There was a beautiful flower vase in the gift shop. गिफ्ट शॉप पर एक खूबसूरत फूलदान था. Your program was too good. आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था. Ashoka was a king. अशोक एक राजा था. Sometimes we need to express compulsive activities like I have to study. You have to attend the meeting. He had to go to Bombay. They will have to play. कई बार हम जरूरी कार्य बताते हैं, जैसे इन वाक्यों में हमने प्रयोग किया. हिंदी में हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे. सहायक क्रिया काल के अनुरूप होगी. जरा देखें, है वर्तमान, था भूतकाल, होगा भविष्यकाल. आइए कुछ उदाहरण बनाएं. मुझे पढ़ना है. तुम्हें मीटिंग में जाना है. उसे मुंबई जाना था. उन्हें खेलना होगा. न्यू वर्ड्स लिस्ट. नवीन शब्द सूची. फंक्शन कार्यक्रम. फ्लावर वेज फूलदान. बिग बड़ा. रेस्पॉन्स जवाब. इंटेलिजेंट विदेशी महिला के लिए. विद्वान पुरुष के लिए. ड्रीम सपना. होम टाउन पितृगृह. इंटरव्यू साक्षात्कार. टाइम समय. फिनिश समाप्त. रहा रही. रहा रही. Till now, we have learned how to communicate by using tha, ga, and a as main verbs. In this lesson, we shall learn how to express any work in process. अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ता, गा और आ क्रिया के रूप. इस पाठ में पढ़ेंगे कि कार्य चल रहा है. To express this, we have to replace the suffix of the main verb with raha or rahi. इसके लिए हम मुख्य क्रिया से अंतिम शब्द को हटाकर raha, rahi जोड़ते हैं. For example, उदाहरण के लिए, I am eating mango. मैं आम खा रहा हूँ. He is going to school. वह विद्यालय जा रहा है. You are playing a game. तुम एक खेल खेल रहे हो. We are watching a film. हम फिल्म देख रहे हैं. Now we learn how we use raha or rahi with the noun or pronoun. अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार रहा रही का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है.
मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहा रही हूं तुम रहे हो वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहा रही है हो हम रहे हैं वे रहे हैं A statement can be negated using not, that is, nahi, before verbs. For example, नकारात्मक वाक्यों में नहीं मुख्य क्रिया के ठीक पहले जुड़ेगा. For example, उदाहरण के लिए I am not eating mango. मैं आम नहीं खा रहा हूं. He is not going to school. वह विद्यालय नहीं जा रही है. Are you not playing? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? We are not watching the film. हम फिल्म नहीं देख रहे हैं. We have learned how to express the work in progress in the present tense. Similarly, we can also explain the same in future and past tenses by using ga and tha as helping verbs. हमने सीखा कि वर्तमान में कार्य चल रहा है का कैसे प्रयोग करते हैं उसी तरह हम कार्य चल रहा है का प्रयोग भूतकाल तथा भविष्यकाल के लिए सहायक क्रिया गा और था का उपयोग करके करेंगे मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहा रही होऊंगा होऊंगी था थी तुम रहे होगे थी वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहा रही होगा होगी था थी हम रहे होंगे थी वे रहे होंगे थी The following examples will clarify more. निम्न उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा. An old man is selling mangoes. बूढ़ा आदमी आम बेच रहा है. The children are swimming. बच्चे तैर रहे हैं. Meera is watching TV. मीरा टीवी देख रही है. Mohan is not running fast. मोहन तेज नहीं दौड़ रहा है. Are you reading a book? क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? Ram will be going to Delhi. राम दिल्ली जा रहा होगा. Mini was singing a song. मिनी एक गाना गा रही थी. They were sleeping. वे सो रहे थे. He will be completing the job tomorrow. वह कल काम पूरा कर रहा होगा. She will be cooking food. वह खाना बना रही होगी. New words list. नवीन शब्द सूची. Swim. तैरना. Work. काम. Haste. जल्दी. Bath. नहाना. चुका चुकी. चुका चुकी. Whenever we wish to convey that a particular activity has been completed within a particular time, then we use chuka or chuki in our communication. For making such sentences, we replace na from the main verb with chuka or chuki and use the appropriate helping verb suitable to the tense.
समय विशेष में काम पूरी तौर पर पूर्ण हो चुका है, ये बताने के लिए चुका चुकी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया से ना हटाकर चुका या चुकी जोड़ दिया जाता है। साथ में काल के आधार पर सहायक क्रिया का उपयोग होता है। Let us look at some examples. आइए उदाहरण देखें। मैं खाना खा चुका हूं। व्यक्ति के आधार पर चुका या चुकी का प्रयोग देखें। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी हूं। यू तुम चुके हो। ही शी वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी है। वी हम चुके हैं। दे वे चुके हैं। हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। आइए उदाहरण देखें। आई गो मैं जाता हूं। आई हैव गॉन मैं जा चुका हूं। आई ड्रिंक मैं पीता हूं। आई हैव ड्रंक मैं पी चुका हूं। यू गो तुम जाते हो। यू हैव गॉन तुम जा चुके हो। यू ड्रिंक तुम पीते हो। यू हैव ड्रंक तुम पी चुके हो। ही गोज वह जाता है। ही हैज गॉन वह जा चुका है। ही ड्रिंक्स वह पीता है। ही हैज ड्रंक वह पी चुका है। She goes. वह जाती है। She has gone. वह जा चुकी है। She drinks. वह पीती है। She has drunk. वह पी चुकी है। We go. हम जाते हैं। We have gone. हम जा चुके हैं। वी ड्रिंक हम पीते हैं। वी हैव ड्रंक हम पी चुके हैं। दे गो वे जाते हैं। दे हैव गॉन वे जा चुके हैं। दे ड्रिंक वे पीते हैं। They have drunk. वे पी चुके हैं। We make the same changes in the past and the future tenses. It also means that the action was completed in the past or will be completed in future. These types of sentences in past or future tense are accompanied by phrases indicating time. Let us see an example. भूतकाल में पूर्ण हो चुका भविष्य में पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के वाक्य भविष्य या भूतकाल में पूर्ण होने के लिए साथ में समय से संबंधित वाक्य होते हैं। उदाहरण देखें। When I reached the station, the train had gone. जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। He will have reached Chennai at 8 o'clock. वह चेन्नई 8 बजे तक पहुंच चुका होगा। Now, learn to use चुका और चुकी in past and the future.
आइए अब देखते हैं कि चुका चुकी का प्रयोग भूतकाल और भविष्यकाल में कैसे होता है। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चुका चुकी, होऊंगा होऊंगी, था थी, तुम चुके होगे थे, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चुका चुकी, होगा होगी, था थी, हम चुके होंगे थे, वे चुके होंगे थे। कई बार भूतकाल में लिया था, दिया था या किया था का प्रयोग चुका था की जगह लेते हैं। Let us see some examples. कुछ उदाहरण देखें। When I reached, Lata had sung. जब मैं पहुंचा, लता गा चुकी थी। When you come, I shall have reached home. जब तुम आओगे, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा।